हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली टोमेटोज की बहुत ही यम्मी सब्जी। इसे आप पराठे या राइस के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चेरी टोमेटोज की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चेरी टोमेटोज ली हुई है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश मटर हमें चाहिए 1 कप। आप यहाँ पे फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। 1 इंच जितना हमें चाहिए अदरक का टुकड़ा। 12 से 15 मैंने लहसुन की कली ली है। 2 प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और एक हम पेस्ट बनाएंगे। प्याज डाल देंगे, इसमें हम लहसुन डाल देंगे और अदरक डाल देंगे और इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह का पेस्ट होना चाहिए। एक पैन गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और चेरी टोमेटोज को हम थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड जितना ही इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो ये पक चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद यहाँ पे मैंने सेम पैन को ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तेल गर्म होने के साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसे डाल के इसे हमें भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस यहाँ पे आप फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे भून लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी 2 चम्मच जितना, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसे हम भुनेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ढक्कन आप लगा दें और ढक्कन लगाने के बाद इसे आप बीच बीच में चेक करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को भून लें। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट मसालों को भून लिया है। आप देख सकते हैं साइड से तेल भी सेपरेट हो रहा है। तो इसे हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर का प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे हम बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। तो नमक हम यहीं पे डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। और नमक डालने के बाद इसे मिला लें और मिलाने के बाद इसे आप ढक्कन लगा के बहुत अच्छी तरह से पका लें जब तक कि तेल हमारा सेपरेट ना हो जाए मसालों से। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत देर तक पका लिया है, 4 से 5 मिनट तक। बीच बीच में मैंने चेक कर लिया था, मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें अब इसे हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मटर को हमें पकाना है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घर की मलाई। तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इसे मिला ले और मिलाने के बाद इसे हमें मटर को हमें पकाना है। अगर आप फ्रोज़न मटर लेते हैं तो इसे आप कम ही पकाएं। तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट जितना पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मटर हमारा पक चुका है। बीच बीच में मैंने चेक कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी अब अपने अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहिए तो इससे कम भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए और इसे हम पका लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे पका लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। गरम मसाला डाल के इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद चेरी टोमेटोज हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट जितना इसे हमें ढक्कन लगा के पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये लीजिए, पक चुका है हमारा सब्जी। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बन के तैयार है हमारी चेरी टोमेटोज़ और मटर की सब्जी। तो इसे अब हम सर्व कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जिन्हें टोमेटोज़ बहुत पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस सब्जी को आप पराठे के साथ या प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी ये सबसे फेवरेट सब्जी है, चेरी टोमेटो सब्जी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।